प्रकार से चाइना और हिंदुस्तान का युद्ध चल रहा है, एक तरह से सिख युद्ध कहा जाएगा, और हमारे देश के भी सैनिक मारे गए और उधर के भी सैनिक कुछ मारे गए, इसको लेके हिंदू महासभा क्या कुछ कहना चाहेगी? इसके लिए तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि किसी ने कहा था, इतिहासकार ने, कि बंदूक की नली से कभी राजनीति नहीं की जाती है, चाहे वो जिनपिंग महोदय हो या चाहे हमारा देश हो। लड़ाई किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। जो बच्चा पैदा लेता है या चाहे अगर कोई मरता है, तो सारी मटेरियल, चाहे वो दिवाली कोई मनाए, चाहे कोई छठ मनाए, चाहे कोई होली मनाए, जितने सामान चाइना के लोग खरीदते हैं उतना इंडिया में बने लोग नहीं खरीदते हैं। ये इंडिया वालों का सबसे बड़ी मूर्खता है। जहाँ तक स्वदेशी का ये लोग प्रचार करें, स्वदेशी चीज़ें अपनाएं, और चाइना अगर इस परिवेश में अगर आगे बढ़ता रहा तो सारे जितने भी भारतवासी हैं चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे। और ये चाइना मत समझे कि हम लोगों ने अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखा है। हम गोली का जवाब गोला से देंगे, बात का जवाब बातों से देंगे। वो चाहे तो अपना शांति से इस रास्ते पर आ जाए और दोनों देशों का अगर युद्ध ना हो। इस कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी से गुजर रहा है, कभी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ कितने लाशें पड़ रही है और कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं। इस परिस्थिति में अगर चाइना अगर सोच रहा है कि भारत को हम युद्ध की धमकी देके या दो चार बॉर्डर पर अपने जवानों का मतलब चहलकदमी करा के हम अगर युद्ध जीत लेंगे, तो ये उसकी विक्षिप्त मानसिकता की निशानी है। नियति को निमंत्रण की ज़रूरत नहीं होती है। और जहाँ तक बात रही बीमारी का, तो बीमारी किसी देश की नहीं होती है। जैसे आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है, एक ही जात होता है, तो बीमारी का कोई नहीं होता है। चाइना भी कोई सोच के नहीं लिया था कि हमारे यहाँ ही कोरोना पैदा लेगा, या वो अगर कोरोना जैसे जीवाणु को अगर वो पैदा कर रहा है तो ये उसकी मानसिक दिवालियापन की निशानी है और मानवता के खिलाफ है। इसके लिए तो सब लोग उसके खिलाफ ही रहेंगे। एक और मेरा सवाल बनता है, जैसा कि हिंदू महासभा के जिम्मेदाराना पद है आपका, राहुल जी की जयंती मनाया जा रहा है, उस पे हिंदू महासभा क्या कुछ कहेगा? देखिए, राहुल जी का जहाँ तक प्रश्न है, राहुल जी एक बड़े उच्च परिवार से संबंध रखते हैं, बड़े उच्च मतलब परिवार के मतलब कि जो राज के रूप में हैं, और उनके जन्मदिन पर हम यही कहेंगे बहुत बहुत बधाई हो और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, और हमारी भी शुभकामनाएं पूरे देशवासियों के साथ उनके साथ हैं।